तो बच्चे आज हम अपना समास वही पूरा कर रहे हैं जो हमने शुरू किया था, हमने किए थे, एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और अव्ययी। ठीक है बच्चे, हमारे यही समास थे, हमने दो दो करके पेयर करके किए, पहले द्वंद्व और द्विगु किए। ठीक है हार्दिक, आपको मेरी पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं इसे तो। ठीक है बच्चे, तो द्वंद्व और द्विगु, द्वंद्व था जो एक जैसे हैं, यानी दो पद होते हैं, उत्तर पद पूर्व पद दोनों बराबर इंपॉर्टेंस लिए हुए होते हैं, एक जैसे, जैसे माँ बाप, दही बड़ा, कड़ी चावल, ओके। द्विगु समास में था पहला पद संख्यावाची होता है, हमेशा काउंटिंग होती है पहले पद में, जैसे चौराहा, चौमासा, तिरंगा, ओके। देन कर्मधारय समास एक विशेषण, एक विशेष्य, जैसे नील गाय, महात्मा, ओके, एक विशेषण था और एक विशेष्य था, ओके जी। देन बहुव्रीहि समास जिसमें दोनों पद कोई महत्व नहीं रखते, कोई तीसरा पद बन जाता है, जैसे लंबोदर, श्री गणेश, ओके। तत्पुरुष समास में क्या था कि विभक्ति करते हुए, विभक्त करते हुए कारक का चिन्ह लगता है। इसमें मैंने बताया था बच्चे कि उत्तर पद प्रधान होता है, दो पद होते हैं ना, दो पद होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ओके। अब कर रहे हैं हम अव्ययी भाव समास, लास्ट रह गया था अव्ययी भाव समास। तो बेटा अव्ययी भाव समास में देखिए, इसमें मैंने बताया दो पद होते हैं और अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद है उसकी इंपॉर्टेंस है, पूर्व पद की इंपॉर्टेंस, पहला पॉइंट तो इसका हो गया पूर्व पद प्रधान। ठीक है, अब इसको डिटेल में बाद में समझते हैं, पहले अव्ययी भाव समास वैसे इन जनरल लैंग्वेज में लेते हैं। अव्ययी भाव समास ज्यादातर बेटा आ से शुरू होता है, शब्द आ से शुरू होता है, शब्द यथा से शुरू होता है, ये दो तो इसकी पक्की पहचान है। फॉर एग्जाम्पल आजन्म, आ से तू, आ मरण, आजीवन, इसी तरह वर्ड यथासंभव। ठीक है, यथामति, यथाशक्ति, यथोचित, मैंने ये शब्द लिखे, ये सारे अव्ययी में है, यानी अब देखो ऊपर वाला समझो, पूर्व पद प्रधान, यानी इसमें दो पद हैं, ये आपको पता है। ठीक है, जो पहले मेरे से समास कर रहे हैं, जो बच्चे रेगुलर हैं उन्हें पता है, हु क्विटेड, कौन क्विट कर गया, मैं देखना चाहूंगी अगेन हार्दिक, कौन, बेटा निष्ठा, निष्ठा डू मी अ फेवर, यस मैम, डू मी अ फेवर, कॉल हार्दिक, यस मैम, कॉल हार्दिक, ओके, आपको क्विट करना पड़े, कॉल कीजिए उसके घर में जरा, ओके मैम। ठीक है, आजीवन, यथा संभव, यथा मति, यथा शक्ति, यथा उचित, दो दो हैं इसमें बचे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पूर्व पद प्रधान है, पूर्व पद की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, पूर्व पद यहां पर बहुत जरूरी है।
पूर्व पद प्रधान, ओके, ये है अव्ययी भाव समास जिसमें पूर्व पद प्रधान है। अब हम इसका विग्रह कैसे करेंगे? विग्रह करने से पहले और समझते हैं आ और अ में फर्क, अ और आ में फर्क। बेटे जब भी हम सिर्फ अ लगाते हैं ना तो वो नेगेटिविटी आ जाती है। जैसे मैंने अधर्म के साथ लगा दिया, अन्याय के साथ लगा दिया, ठीक है, मतलब जिसके साथ हम अ शब्द अकेला लगाएंगे वो नेगेटिव बन जाएगा। अधर्म, अन्याय, अमान्य, जिसके साथ भी अ लगाएंगे वो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अकेला अ हमने नहीं लेना, जब आ आता है ना ये पॉजिटिव बन जाता है। जैसे आ जन्म, मैंने आ जन्म झूठ ना बोलने का प्रण किया है, आजीवन झूठ ना बोलने का प्रण किया है, आ मरण मैं तो सत्य पर रहूंगा, मतलब मरने तक, जीवन भर, जन्म से लेकर सेतु तक। यहाँ पे आ के मीनिंग पॉजिटिविटी में आ रहे हैं बेटे। आ जन्म, दोबारा सुनो, आ जन्म, अब जन्म से लेकर अंत तक, ठीक है, जन्म से लेकर इसका विग्रह होगा। आ सेतु का विग्रह होगा, सेतु मीन्स होता है ब्रिज बेटा, पुल, पुल तक। सेतु शब्द आपने सुना होगा राम सेतु में, ठीक है, पुल तक, ओके। देन है आ मरण, मरने तक। देन आ जीवन, जीवन भर, ओके, ऐसे ही ये यथा संभव, जितना संभव हो, यथा संभव प्रयास करो परिणाम देना, परिणाम भगवान के हाथ में है, ठीक है। यथा संभव, जितना संभव हो, यथा मति, मति के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथोचित, जितना उचित हो, ठीक है। आ वाले और यथा वाले आंखें बंद करके अव्ययी भाव समास हैं। डन, हैव स्क्रीनशॉट, ओके, याद रखना है ये वर्ड। अब आगे मैं शुरू कर रही हूं, और आ वाले और यथा वाले हमने हो गए, अब आगे और बता रही हूं बेटे। व्हेन वी यूज रिपीटेड वर्ड्स, जैसे गांव गांव, गली गली, शन शन, जितने भी रिपीटेड वर्ड्स हैं, जो वर्ड रिपीट होता है ये सारे अव्ययी में आएंगे, ठीक है। उसने गांव गांव घूमकर ये संदेश फैलाया। हाँ बेटा बोलो हार्दिक, व्हाट डू यू वांट टू से? मैं क्लास में हूँ। हाँ जी बोलो। मैं क्लास में हूँ। हाँ हाँ, अब तो मुझे मालूम है आप क्लास में हैं, देख लिया था मैंने, पहले चले गए थे आप, क्लास में ही है, मैंने देख लिया है आपको। मैम वो मेरी मीटिंग थोड़ी, मैम वो नेट स्लो है ना इसलिए। बेटे मुझे मालूम है, जब आप आए तब भी मालूम है, जब आप गए तब भी मालूम है, क्योंकि मेरी मीटिंग ओपन है। अगर मेरी मीटिंग इस समय ओपन ना होती तो आप एक बार जाने के बाद दोबारा आ नहीं सकते थे, ठीक है। यस मैम, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, पढ़ना अपने अपने लिए है बेटा, नहीं पढ़ना तो भी अपने लिए पढ़ना है, ओके। तो मेरी कोशिश तो यही होगी कि हमारा जो फर्स्ट टर्म, अभी इसके बाद मैं टर्म्स की बात करती हूँ कि सिलेबस किस तरह डिवाइड हुआ है, तो आप खुद शॉकिंग होंगे, शॉक में होंगे, आप खुद सन्नाटे में आ जाएंगे कि अच्छा इस बार ऐसे आना है पेपर। जब आपको यही नहीं पता लेसन कौन से, तो आप क्या करेंगे। चलिए, आई डोंट वॉन्ट टू बी एंग्री। गाँव गाँव मीन्स प्रत्येक गाँव में, वो गाँव गाँव घूमा, शहर शहर घूमा, गली गली घूमा, ठीक है, शहर शहर, गली गली, पल पल, हर पल, पर पल पल मीन्स हर पल, हर गली, हर शहर, हर गांव, ओके, इसका विग्रह हो जाएगा, हर गांव, हर गली, हर शहर, ओके, इसका विग्रह ये होगा। डन बेटा, अब ये भी हो गया, रिपीटेड वर्ड्स भी हो गए, ठीक है। रिपीटेड वर्ड्स के बाद बेटे जितने शब्द बे वाले होंगे, प्रति वाले होंगे, भर वाले होंगे। जैसे
बेकार, बेकार, बेनाम, मतलब बिना नाम के, बिना काम के, बे वाले सारे शब्द अव्ययी में जाएंगे, ओके? भर वाले जैसे भर पेट, ओके? अव्ययी में, प्रति वाले सारे, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, हर हर प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिक्षण, हर क्षण, ठीक है? इसमें एक ही वर्ड है, जैसे आपने दिनों दिन, एक दो वर्ड कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी, दिनों दिन, रातों रात, है तो ये रिपीटेड वर्ड्स ही है, रात रात, दिन दिन, ठीक है, दिनों दिन, रातों रात, अब यही में है ये विग्रह, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, दिनों दिन तरक्की करता रहा है, डे बाय डे, है ना, इसका विग्रह होगा दिन प्रतिदिन, और रातों रात मीन्स ओवरनाइट, एक ही रात में, तो इसका विग्रह होगा रात ही रात में, इन वन नाइट, ठीक है, थोड़ा विग्रह डिफरेंट होता है, अदरवाइज ये सारे वर्ड जो हैं अव्ययी में हैं, तो आपके लिए रिमार्केबल ये वर्ड हैं, ये सारे वर्ड जो इससे शुरू होते हैं वो सारे अव्ययी में हैं, और अव्ययी भाव समास काफी इंपॉर्टेंस लिए हुए होता है, इंपॉर्टेंट होता है पेपरों के लिए, ठीक है, नहीं कह सकते कौन सा आ जाएगा, पर ये द्वंद्व जरूर आता है, एक अव्ययी जरूर आता है, एक तत्पुरुष आता है, है? और एक इन दोनों में से आता है, चार ही आने होते हैं ना पेपर में, पांच में से चार करने होते हैं, तो जो इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम द्वंद्व आता है, कर्मधारय बहुव्रीहि में से एक आ जाता है, तत्पुरुष आता है, अव्ययी आता है, मतलब एक एक तो आना ही आना है पेपर में, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। समास सिद्धांत, समास का चैप्टर हमारा इसके साथ खत्म हो गया, एक रेफरेंस बुक उठा लो, उसमें से सारे समास पढ़ लो, दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन समझ आ चुका हो तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, अदरवाइज नहीं। डन बेटा, शुड वी मूव टू द नेक्स्ट, मुझे अब थोड़ा सा आपको शेड्यूल बताना है, थोड़ा सा आपको आपका जो अब टेस्ट होना है वो बताना है, टेस्ट में इन द सेंस क्लास टेस्ट नहीं, ये जो फर्स्ट टर्म का टेस्ट होना है CBSE की तरफ से, उसके बारे में बताना है। सबसे पहली बात तो बच्चे, जो मैंने हॉलीडेज होमवर्क में विज्ञापन दिए थे, वो विज्ञापन इधर उधर नहीं करने, वी आर सपोज टू कीप दैट विद अस, वो आपका एक नंबर लेने का प्रूफ है, उसी के बिहाफ पे नंबर मिलने हैं आपको इंटरनल असेसमेंट, साथ साथ और बताती जाऊंगी आपको, कॉपी के नंबर भी हैं, तो कॉपी भी साथ साथ, कॉपी साथ साथ, ये नहीं है कॉपी हमने बहुत सजा के बनानी है बेटे, वट एवर वी आर डूइंग इन द क्लास डू दैट ऑन फेयर नोटबुक बच्चे, दैट इज योर कॉपी, मैं ये नहीं कहती बाद में बैठ के आराम से कॉपी बनाओ, लेसन के क्वेश्चन आंसर्स तो बाद में लिखने होते हैं, ग्रामर जो करवाया जाता है साथ साथ लिखते हो, अगर बीच में कोई गोला लगा देते हो, टिक लगा लेते हो जैसे मैंने लगाया है, तो दैट इज वैलिड इन योर कॉपी, उसे आप गंदा काम नहीं मानोगे बच्चे, ठीक है, क्योंकि आपने अपने लिए अपने नोट्स बनाए हैं, दैट इज होमवर्क, वो ही कॉपी में गिना जाएगा, और उसके नंबर हैं, कॉपी के भी नंबर हैं बच्चे, कॉपी के नंबर हैं, क्लास टेस्टों के नंबर हैं, ठीक है, जो क्लास टेस्ट हो रहे हैं, जैसे कल आपने दिया है क्लास टेस्ट, उसके नंबर हैं, प्लस ये जो मैंने आपको कहा था आपने विज्ञापन बनाए हुए उनको संभाल के रखिए, उसके नंबर है, अभी अभी इसके नंबर है, बाकी हम देखते हैं क्लास में सुनने का काम या जो है वो भी, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपसे डिस्कस कर रही हूँ बच्चे, हमारा जो CBSE की तरफ से हमारे लिए जो डिवीजन आई है, इन फर्स्ट टर्म वी आर हैविंग ओनली एंड ओनली फोर लेसन्स, ओनली एंड ओनली फोर लेसन, दैट इज कबीर, मीरा, बड़े भाई साहब, नहीं फाइव लेसन, कबीर, मीरा, ओके, देन बड़े भाई साहब,
ततारा वो अमीर हूँ, ततारा वो अमीर हूँ कथा है ना नाम। और एक लेसन और है, आप कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, दुखी होने वाले लेसन का पूरा नाम है, मैं पूरा नाम नहीं लिख रही। ये पांच लेसन आपके फर्स्ट टर्म में है। अब यहाँ याद रखने योग्य बात ये है बेटा कि इन लेसन्स के एमसीक्यूज आने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं इन लेसन्स के, ठीक है। तो हमें लेसन्स का इंटरनल सब कुछ पता होना चाहिए, वेरी इजी लेसन्स दे आर, ठीक है। ग्रामर उसी तरह हमारी सिर्फ चार चीजें हैं ग्रामर में बेटे, चार चार नंबर की चार चार चीजें हैं बच्चे, फोर फोर मार्क्स ईच। क्या क्या चीजें हैं? पद बंध, वाक्य रचना के आधार पर, समास, मुहावरे, फोर मल्टीप्लाई बाय फोर, 16 मार्क्स इसके हैं। ये भी एमसीक्यूज में ही होंगे। और साथ में अनसीन पैसेज दो, अपठित गद्य, दीज आर ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स, 16 मार्क्स और 14 मार्क्स हैं इसके, 14 नंबर इनके, 16 नंबर इसके, 10 उसके, कितने हो गए? 10, 20, 30, 40 और 10 मार्क्स के जो कार्य मैंने कहे हैं आपको, वो हॉलीडेज होमवर्क, आपकी कॉपी, प्लीज ये सारे प्रूफ चाहिए हमें। हॉलीडेज होमवर्क वो जो मैंने विज्ञापन दिए थे, आपकी कॉपी प्लस आपके ये टेस्ट पेजेस। तो कोशिश करो बच्चे, ये जितने टेस्ट मैं देती जाऊंगी साथ साथ, डू दोज टेस्ट ऑन योर फेयर नोटबुक एट द बैक ऑफ योर नोटबुक और मेंटेन इट, अदरवाइज एक अलग फाइल बनाओ जिसमें रखते जाओ सारे सब्जेक्ट्स की, ओके, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो ऑल्सो। बहुत जरूरी है टेस्ट संभालने बच्चे, बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने कल मुझे कहा कि मैडम क्वेश्चन पेपर पे ही टिक करके दे देते हैं, उनको भी करके रखना होगा टेस्ट, हम इसे लाइटली नहीं ले सकते। डन, दिस इज द सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म। हमें इस बार लेखन कौशल का कुछ भी नहीं आना। व्हाट इज लेखन कौशल, याद है? लेखन का कुछ भी नहीं आना, यानी लेखन में अनुच्छेद, पत्र, सूचना, वट एवर इज देयर, उसका कुछ भी नहीं आना। वो चीजें हैं हमारी सूचना, अनुच्छेद, पत्र, विज्ञापन और लघु कथा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है हम सारा बोझ जो है सेकंड टर्म पे छोड़ देंगे, वी विल डू साइड बाय साइड दीज थिंग्स ऑल्सो, ये भी हम साथ साथ करेंगे, क्लियर, ठीक है बच्चे जी, बात समझ में आई। नेक्स्ट फ्राइडे फिर टेस्ट है और नेक्स्ट फ्राइडे टेस्ट होगा समास का, ठीक है, समास का टेस्ट होगा, ताकि मैं देख सकूं आपको कितने समास आते हैं। अब आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क मी वट एवर यू योर क्वेरी इज, यू कैन आस्क मी बेटा, कुछ पूछना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए मैम। लास्ट ईयर की तरह इस ईयर भी चैप्टर्स डिलीट हुए हैं? लास्ट ईयर की तरह इस ईयर भी चैप्टर्स डिलीट हुए हैं क्या? हाँ बेटा जी, हुए डिलीट, तभी कह रही हूँ फर्स्ट टर्म में सिर्फ ये चार चैप्टर हैं। इन चार चैप्टर्स के बाद बेटे अगली टर्म में वी आर हैविंग संचयन के सारे लेसन प्लस पांच लेसन और, पांच छह सात आठ लेसन है अगली टर्म में, हुए हैं डिलीट बेटा, हुए हैं, इस साल भी डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो और कोई कुछ पूछना चाहता है? अदरवाइज टिल देन गुड बाय, ओके।